कोई कॉल आया उसका? नहीं ना, एनीवे नहीं आएगा। क्यों, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वो लड़का है, और कोई भी बात ये लड़कों को बिना समझाए समझ आ जाए तो ये इनकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। नो बट वाशर की भी सुबरी शादी थोड़ी ना हुई है अभी। बेबी मैं आपको शादी के बाद बहुत खुश रखूंगा। क्यों, शादी कोई सॉफ्टवेयर है जिसे इंस्टॉल करके सब कुछ स्मूथ चलने लगेगा? अभी तो रख ले मेरे पास। नो, इनको ना कोई फर्क नहीं पड़ता, 8 घंटे हो गए हैं एक मैसेज तक नहीं आया। अभी मैं करूंगी तो बेबी आई वाज बिजी। अबे एसएबी के न्यूक्लियर के कोड्स बना रहा था जो इतना ही बिजी था, और अगर बिजी था तो व्हाट्सएप पे लास्ट नंबर पर चेंज क्यों हो रहा था? यू नो व्हाट, आई एम जस्ट डन विद दिस रिलेशनशिप। इट स्टार्टेड विद लिविंग रिलेशनशिप बट नाउ इट्स लाइक कांट लिव इन रिलेशनशिप। और वो कहते हैं ना ऑल मेन आर डॉग्स, बुलशिट, क्योंकि कुत्तों को भी पता होता है कि अगर बॉल फेंकी है तो उसे वापस लेकर आना है। लेकिन ये लड़के इन्हें 10 बार समझाने के बाद क्या की बात फिर से समझाना पड़ता है। यू नो व्हाट, ये लड़के जो होते हैं ना स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस की तरह होते हैं, और हम लड़कियां इनके लिए यशराज की फिल्मों की तरह बस बस एक बार मिल जाए उधर चोपड़ा की तरह ट्रीट करने लगते हैं। और वैसे भी ना सारा कसूर ये मूवीज का है। शाहरुख के लिए काजोल ने ट्रेन पकड़ी, इसके आगे मूवी का तीर है। इसके आगे की कहानी कोई नहीं बताता, इसके आगे की कहानी मैं बताती हूँ। इतना दौड़ने की क्या जरूरत थी, पीछे के दरवाजे से आ जाते हमें हमारी टाइम नहीं मिल सकता। मुझे मेरी स्पेस चाहिए, क्या घंटा स्पेस चाहिए, इतनी स्पेस चाहिए थी तो ऐसा नाम मिल जाता जाकर। नो, और ये बॉस कॉन्फ्रेंस को भी एफबी नंबर गया था जो उसने व्हाट्सएप में भी ब्लूटिक दे दिए, क्या जरूरत थी? एक तो इनके ब्लूटिक हटा दो तो बेबी यू डोंट वांट टू टेल मी दैट यू रोड माय मैसेजेस, यू डोंट लव मी एनीमोर। इतनी रात को आने मुझे क्या करेंगे? अबे मेरे भी दोस्त रहते हैं इस धरती पे, कोई पीके थोड़ी हूं मैं, कोई दूसरे कोने से थोड़ी आई हूं। लिविंग रिलेशनशिप में होने के बाद खुद फोन में डिनर डाउनलोड करके बैठे हैं और एक बंदे के साथ सेल्फी ले लो तो इन्हें बड़ी प्रॉब्लम।